हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज हम हिंदी का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बकरियों की समझदारी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में क्या दिया है पहले हम वो पढ़ते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हमें हर कार्य समझदारी से करना चाहिए। आपस में सहयोग करने से हम सब काम बन जाते हैं, इसलिए सदैव एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम समझदारी से काम कर सकते हैं और आपसी सहयोग से हमारा काम कैसे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घना जंगल था, जंगल में एक बड़ा नाला भी था। एक जंगल था और उसमें क्या था, एक बड़ा नाला था। नाले के दोनों किनारों पर बहुत घास थी। वहीं पर दो बकरियां भी रहती थीं, उनमें से एक लाल थी और दूसरी भूरी। दोनों बकरियां रोज़ नाले पर घास चरने जाती थीं। ठीक है बच्चों, एक घना जंगल था जिस पर एक बड़ा नाला था और जिस नाले के दोनों किनारों पर क्या थी, हरी घास थी। वहीं पर वो दोनों बकरियां घास करने के लिए जाती थीं, उनमें से एक लाल थी और दूसरी भूरी। लाल को इंग्लिश में रेड बोलते हैं और भूरी को ब्राउन। दोनों बकरियां रोज़ नाले पर घास चरने जाती थीं। एक दिन की बात है, भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी, लाल बकरी दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। भूरी बकरी घास खाते खाते दूर चली गई। रुककर उसने इधर उधर देखा। उसने सोचा कि नाले के उस पार अच्छी घास है, मुझे भी वहीं चलकर घास खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, नाला गहरा था। भूरी बकरी नाले के किनारे किनारे चलने लगी। एक स्थान पर नाले के ऊपर एक पेड़ पड़ा हुआ था। पेड़ के कारण नाले पर पुल सा बन गया था। बच्चों, जो नाला था उसके ऊपर पेड़ गिरा हुआ था और पेड़ से कैसा पुल जैसा बन गया था। बकरी उस पर चलकर पुल पार करने लगी। जैसे ही भूरी बकरी पुल के बीच में पहुंची, तभी उसे मैं की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा सामने से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। सामने से लाल बकरी भी आ रही है। भूरी बकरी ने उससे पूछा, बहन तुम कहाँ से आ रही हो? लाल बकरी ने कहा, मैं उस किनारे से वापस आ रही हूँ। भूरी बकरी बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। तंग का मतलब होता है बच्चों कम चौड़ा, ठीक है, या फिर चुस्त या फिर कम चौड़ा है। इस पुल पर से हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकते। लाल बकरी ने कहा, अब क्या करें? लाल बकरी फिर कुछ सोचकर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। लाल बकरी ने धीरे धीरे अपने पाँव ऊपर उठाए। उसने पाँव भूरी बकरी पर रखे और धीरे से पुल पार कर गई। इसके बाद भूरी बकरी उठ खड़ी हुई, भय भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। इस प्रकार दोनों नाला पार करने में सफल हुई। तो बच्चों, कैसे बकरियों ने अपनी समझदारी दिखाई और वो उस नाले को पार कर गईं, ठीक है, और आपसी सहयोग से वो दोनों उस नाले को पार गईं और गिरी भी नहीं, ठीक है। अगर वो झगड़ने लगती, लड़ने लगती, तो वो क्या होता कि वो दोनों ही उस नाले में गिर जाती, ठीक है। ये चैप्टर आगे कुछ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है रुक जाना। रुक जाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप, और इसका हिंदी अर्थ होगा ठहर जाना, ठीक है। आगे दिया हुआ है आर पार। आर पार को इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोश, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है बच्चों। आर पार का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सहयोग, सहयोग को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, और इसका हिंदी अर्थ होता है मदद, ठीक है। तंग, तंग को इंग्लिश में बोलते हैं नैरो, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कम चौड़ा, ठीक है बच्चों। समझ आया, ये शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है कुछ अभ्यास प्रश्न, जिनमें हमको चार
अभ्यास प्रश्न में पहले नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर सही का निशान लगाना है हमको, और इसमें हमको चार ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से जो एक सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है का नंबर पर, एक बकरी लाल, सॉरी बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है का नंबर पर, एक बकरी लाल तो दूसरी थी, आ नंबर पर सफ़ेद, ब नंबर पर भूरी, स नंबर पर चिकतवरी और द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक बकरी लाल थी तो दूसरी कैसी थी, भूरी, तो इसका जो ब नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, लाल बकरी घास चरने कहाँ चली गई थी, आ नंबर पर जंगल के बीच में, ब नंबर पर बहुत दूर, स नंबर पर दूसरे किनारे पर और द नंबर पर कहीं नहीं। तो लाल बकरी घास चरने कहाँ चली गई थी बच्चों, दूसरे किनारे पर, तो इसका जो स नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, सामने से कौन सी बकरी आ रही थी, आ नंबर पर भूरी, ब नंबर पर लाल, स नंबर पर चितकवरी और द नंबर पर सफ़ेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाल, सामने से कौन सी बकरी आ रही थी, लाल, तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, घ नंबर पर दिया हुआ है सब काम कैसे बनते हैं, नंबर एक आपसी सहयोग से, नंबर दो अकेले करने से, नंबर सा आ वा दोनों से, नंबर बापन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सब काम कैसे बनते हैं, आ नंबर पर दिया हुआ है आपसी सहयोग से, ठीक है, तो इसका जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको हमें भरना है। पहला दिया हुआ है का नंबर पर, जंगल बहुत ही था, कैसा था बच्चों, घना, तो इसमें खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा, घना। आगे दिया हुआ है खा नंबर पर, जंगल में एक बड़ा क्या था, नाला, तो इसमें हम क्या भर देंगे बच्चों, नाला, ठीक है। दूसरे वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, नाला। ग नंबर पर दिया हुआ है, बकरियां नाले पर घास चरने जाती थी, ठीक है, तो जो ग नंबर का खाली स्थान है बच्चों उसमें क्या भर देंगे हम, चरने। घ नंबर पर दिया हुआ है, भूरी बकरी को मैं की आवाज़ सुनी, भूरी बकरी ने मैं की आवाज़ सुनी, तो बच्चों घ नंबर के खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा, मैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है ड़ा नंबर पर, बकरी पुल पर बैठ गई, कौन सी बकरी बैठी थी बच्चों, भूरी बकरी, तो जो ड़ा नंबर का क्वेश्चन है ना, ड़ा नंबर का, उसमें भूरी भरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे जो कथन सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, और जो गलत होगा उस पर क्रॉस का निशान, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है का नंबर पर, दोनों बकरियां नाले के किनारे घास चरती थी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। खा नंबर पर दिया हुआ है, नाला गहरा नहीं था, तो इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, नाला गहरा नहीं था, तो नाला गहरा था, इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे बच्चों, इसमें गलती से राइट का निशान लग गया है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान, क्योंकि नाला गहरा ही था बहुत ज़्यादा। ग नंबर पर दिया हुआ है, दोनों बकरियां जिद्दी थी, तो ये भी गलत दिया हुआ है, वो तो दोनों बकरियां बहुत समझदार थी, ठीक है, तो इस पर भी हम क्या, राइट का निशान लगा देंगे। घ नंबर पर दिया हुआ है, इस कहानी से हमें सहयोग करने की शिक्षा मिलती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनके हमें उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नाले के पास कैसी घास लगी हुई थी, तो इसका उत्तर होगा, नाले के पास हरी घास लगी हुई थी, ठीक है बच्चों, समझ आया, नाले के पास हरी घास लगी हुई थी। दूसरा प्रश्न है, एक दिन लाल बकरी कहाँ चली गई, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, एक दिन लाल बकरी दूसरे किनारे पर चली गई, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, नाला कैसा था,
तो इसका उत्तर हो जाएगा नाला गहरा था। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे दिया हुआ है घ नंबर का प्रश्न, नाले पर गिरा पेड़ किसका काम कर रहा था। जो नाले पर पेड़ गिर गया था बच्चों, वो किसका काम कर रहा था, तो इसका उत्तर होगा नाले पर गिरा पेड़ पुल का काम कर रहा था। ठीक है, वो पुल जैसा बन गया था। आगे दिया हुआ है कौन सी बकरी पुल पर बैठी, तो इसका उत्तर होगा भूरी बकरी पुल पर बैठी। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है कुछ शब्द बोध, उनको हम पढ़ते हैं। निम्न शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो बच्चों पहला दिया हुआ है बल प्लस साली, तो इसको हमको मिला के लिखना है ज्वाइंट करके, तो क्या हो जाएगा बल साली। घ नंबर पर दिया हुआ है प्रभाव प्लस साली, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम ज्वाइंट करके लिखेंगे, मिलाकर लिखेंगे, तब प्रभावशाली। ठीक है, घ नंबर पर दिया है शक्ति प्लस साली, तो इसको बच्चों जब हम मिला कर लिखेंगे तो क्या लिखा होगा, शक्तिशाली। घ नंबर पर दिया हुआ है भाग्य प्लस साली, तो इसका जॉइंट टू क्या हो जाएगा, भाग्यशाली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ण नंबर पर दिया हुआ है महाबल प्लस साली, तो बच्चों इसका क्या होगा, महाबल साली। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कुछ व्याकरण बोध, व्याकरण पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है निम्न शब्दों के समानार्थी लिखिए। समानार्थी क्या होते हैं बच्चों, जो शब्द उनसे मिलते जुलते दूसरे शब्दों को हम समानार्थी कहते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर दिया हुआ है का नंबर पर रोज, रोज को बच्चों, रोज का समानार्थी क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ठीक है, रोज को हम प्रतिदिन भी बोल सकते हैं। दिन, दिन का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चों, दिवस। ठीक है, दिन का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चों, दिवस। ठीक है, आगे दिया हुआ है अच्छी, अच्छी का समानार्थी हो जाएगा उचित। ठीक है बच्चों, समझ आया, अच्छी का समानार्थी क्या हो जाएगा, उचित। तंग, तंग का समानार्थी हो जाएगा चुस्त। ठीक है बच्चों, समझ आए समानार्थी साथ। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर शब्दों को उनके विपरीत अर्थ से मिलाइए। ठीक है बच्चों, किससे मिलाना है, विपरीत अर्थ से। लाल, लाल को हम किससे मिलाएंगे, भूरी से। ठीक है बच्चों, लाल को किससे मिलाएंगे, भूरी से। रोज को मिलाएंगे हम कभी कभी से, रोज को किससे मिलाएंगे, कभी कभी से। नाला, नाला को हम किससे मिलाएंगे बच्चों, नाली से। ठीक है, नाला को किससे मिलाएंगे, नाली से। बकरी, बकरी को बच्चों किससे मिलाएंगे, बकरा से। चलकर, चलकर को हम मिलाएंगे रुककर। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, कुछ शब्द दिए हुए हैं उनसे हमको वाक्य बनाना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है जंगल, अब जंगल से हम वाक्य बनाते हैं, जंगल में एक नाला था। ठीक है बच्चों, वाक्य हम कोई सा भी बना सकते हैं, बुक में से बना सकते हैं, बुक से रिलेटेड, या फिर कोई अन्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, जंगल, जंगल का समानार्थी होगा जंगल में एक नाला। सॉरी बच्चों, इसका वाक्य बनेगा जंगल का, जंगल में एक नाला था। ख नंबर पर दिया हुआ है नाले, नाले के दोनों किनारों पर घास थी। ठीक है बच्चों, नाले से हमने क्या बना दिया, नाले के दोनों किनारों पर घास थी। पुल, पुल का शब्द बनेगा नाले के ऊपर एक पुल था। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है पांव, बकरी ने अपने पांव उठाए। ठीक है बच्चों, बकरी ने क्या किया था, अपने पांव उठाए। आगे दिया हुआ है सफल, बकरी नाला पार करने में सफल हुई। ठीक है बच्चों, ये हमारे वाक्य कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।